ये एसी के बाल है और साथ में क्या बोला था, बोतल लेके आने। चुचा वाला कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी जा रहा हूँ मैं बाहर, तो वो लेके आने मच्छरदानी होती है ना, मच्छरों की जो होती है वो टिक्की से होती है वो, क्योंकि मैंने किलर लेके आया हूँ, लेकिन इन सब किलर ना मेरी भी मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहे। बाजी ने बोला कि भाई मुझे इस तरह नहीं सुकून मिलता। तो अभी जहाँ पे हमारा न्यू घर है ना, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आस पास सब्ज़ा बहुत ज़्यादा, पौधे बहुत ज़्यादा, लोगों ने घरों के बाहर लगाए हुए। और अभी मैं जा रहा हूँ जी, एक तो वो लेनी है और दूसरे सिस्टर ने बोला कि सुबह कपड़े वाली नहीं आना, तो कपड़े वॉशिंग के लिए साथ में वो सामान लेके आना चाहिए। हाँ, ये वाली किंग टॉक्स ये चाहिए। तो यहाँ से लेना है साबुन, साबुन साबुन साबुन, ये रहा जी सूफी सॉफ। इधर से लेते हैं एक पैकेट ये वाला, ये रहा। और सामान तो लग घर दे दिए, अभी जा रहा हूँ मैं कटिंग करवाने। कटिंग भी हो गई और दाढ़ी भी नीट हो गई, अभी जाके फिर शावर लेते हैं और शावर वगैरह लेके फिर सैरी कब भी। अभी सैरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो तब तक मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं, कुछ वीडियोस जो मेरे से पहले जो ब्लॉग्स थे उनको करते हैं एडिट, तो उसको फिर उनको लगाते हैं अपलोडिंग पे। अभी टाइम है सैरी का और साथ मेरे सैरी करेगा मोहम्मद मुशा। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और शावर वगैरह मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्रीक ब्रीक ना, मुझे चुभन सी फील हो रही थी। आज सैरी में है जी चिकन कढ़ाई, साथ में पराठा, साथ में फ्राई अंडे और साथ में चने। ये बड़े अच्छे बड़े मशहूर चने हैं, आज मंगवाए हैं टेस्ट करने के लिए। करते हैं सैरी और सैरी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ेगा, नमाज़ पढ़ने का फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी सुबह के टाइम। चले, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी भी उठूँ, फेस वॉश वगैरह के लिए अभी नमाज थोड़ा सा टाइम है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि सिस्टर वाले रूम का एसी में देखे था सही के लिए, तो उन्होंने बोला था भाई कि इसके जहाँ से गैस चार्ज करते हैं ना, वो उसके जो बाल है ना वो ख़राब है, तो वो आपको चेंज करने पड़ेंगे या फिर हमसे चेंज करवा लो। मैंने बोला भाई कितने का, वो तो खैर महंगे दे रहे थे, मैं खुद परचेज करने जा रहा हूँ क्योंकि बाइक से मुझे बड़ा सस्ते मिलते हैं। उन्होंने मुझे बोला 2000 रुपये का, बाइक से मुझे 1000 में भी इतने के मुझे मिल जाएंगे। अभी फिलहाल उधर जा रहे हैं, पहले वो ला के उनको पहुँचाना है, उनको पहुँचा के फिर मैंने घर आके सामान है, क्रीम है, दही है, फिर गोश्त है, वो भी लेने जाना चिकन का। चलो पहले फिलहाल बाल लेके आते हैं। ये एसी के बाल है, ये वाले बाल लिए हैं जी, सेट होता है पूरा, ये पूरा सेट होता है ना, एक ये और एक ये चीज़, ये जो दे दिए हैं बाल। अभी घर वाले ने बोला जी कि खीरे लेके आने हैं, दही लेके आनी है और साथ में क्या बोला था, बोतल लेके आनी है। चिकन का भी बोला, मैंने कहा पहले आपको ये सामान दे दूँ फिर बाद में जाके मैं चिकन जाके ले गाँ, क्योंकि चिकन का इस्तेमाल कल होना आज नहीं होना। और फिलहाल इसी के बाल तो मैं दुकान पर पहुँचाया हूँ इसी वाली पे, वो कह रहे कि रात तक आपके घर ऐसी पहुंच जाएगा। मैं कहा भाई मेहरबानी आपकी जी, सामान तो सारा ले आए हैं जी, ये सामान चिकन भी ले लिया साथ ही, घर वालों से मैंने बोला ऐसे फिर दोबारा फिर जाएंगे, वो तो सारा सामान लिया, तो मैंने सोचा चलो चिकन भी ले लूँ, ऐसे दोबारा फिर चक्कर लगेगा शायद अफ्तारी के बाद या पहले, फिलहाल कोई पता नहीं था। फिर मैंने चिकन भी साथ ही मैंने ले लिया और अभी मैं कर रहा हूँ जी चॉइस शॉप की टांगे दा भी कर रहा हूँ। हमारे चॉइस शॉप ना थके हुए हैं, थके हंस रहा है। चूचा व्लॉगर कौन है? ये हमारा फ्यूचर का चूचा व्लॉगर है, इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि इसका इंस्टाग्राम बनाएं सबसे पहले चूचा व्लॉगर के नाम से, और उसका चूचा व्लॉगर के नाम से हम इसकी आईडी रखेंगे चूचा व्लॉगर, पहले इंस्टाग्राम वो कह रहा मैं। ठीक है साहब, हाँ चूचा भी है ना, फिर सबकी टांगेदा भी हो रही है जी। चूचा हमें बहुत ऑर्डर देते हैं, सिर्फ बुई से डरते हैं बस, डटी से डरते हैं बस। डटी भाई साहब देखिए जी, माशाल्लाह हम मूसा के अभी न्यू शू आए हैं, वो पैंक घूम रहा है, मैं भाई जाऊँ नाराज़ हो गया, उसका टॉय ना वो नीचे गिर गया है। देखे मुझे कह रहा है कि इसके अंदर सेल डाल के दे, मैं सेल डाल के दे रहा, वो मुझे मार रहा है। आपके न्यू शूज़ कहाँ हैं ये? हेलो मूसा टॉय डन। अभी एक नई चीज़ मुझे पता चली है कि मूसा लगा हुआ शरारत करने, एक साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि वैसे आजकल का आपको पता है ना कि रोज़े का भाई सब ने सैरी में फ्राई अंडे आमलेट वगैरह खाने होते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने घर के अंदर रूम के अंदर आप मुर्गे रखें, जो मुर्गी आपके घर के अंदर अंडे दे, जो आपको किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो भाई मेरे पास उसका एक सलूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखें ये वो मुर्गी है, ये देखें अभी अंडा आया भाई, ये देखें
अंडा ऐसा है कि गिरने के बाद अंडा टूटता भी नहीं है, लेकिन आप इससे अब फ्राई अंडा खा सकते हैं आप। साइंस तरक्की कर गई है भाई, ये देखिए फिर अंडा दे रही है वापस। अभी इफ्तारी में सिर्फ कुछ सेकंड बाकी हैं और हमारा इफ्तार टेबल रेडी हो चुका है। आज इफ्तारी में है जी मेरी फेवरेट दो चीज़ें हैं, वैसे मेरी नहीं मेरी सिस्टर की भी फेवरेट चीज़ है वैसे, बिरयानी है और साथ में साइलेट है। कुछ ये रहा जी इफ्तार टेबल, ठीक है, और इसमें है जी ये शामी है, ये साइलेट मेरी फेवरेट मेरी सिस्टर की फेवरेट है, और ये बिरयानी ये तो भाई सबकी फेवरेट है, और ये रहा जी हमारा कुको चूचो ब्लॉगर। मैं चूचो ब्लॉगर। अल्हम्दुलिल्लाह तारी डन, नमाज भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जा रहा हूँ जी। घर वालों ने बोला है कि पानी ख़त्म हो गया, जो पीने वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं गोरमे का, तो वो बोतलें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। अभी जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, बोतलें फिलहाल दो हैं, बाइक पे जाऊँगा और पहले एक बोतल लेके आऊँगा, फिर बाद में छोड़ के फिर जाकर दूसरी बोतल लेके आऊँगा। अभी फिलहाल दो बोतलें और बाइक पे अकेला, देखते हैं कैसे लेके आते हैं वापस। ये रही बोतल एक, और फिलहाल प्रेस को लेके आते हैं, फिर बाद में इसको घर छोड़ के फिर जाके दूसरी बोतल भी लेके आएगा। ये जी गोरमे, ये अंदर से बोतल ले ली है, बोतल है मेरे पास, ये रही बोतल। अभी करते हैं बाइक स्टार्ट और निकलते हैं घर की तरफ, बाकी देखें दूसरी बोतल लगे लेते हैं, अगर कोका लगे ले जाऊँगा। अभी मैं कर रहा हूँ जी चिकन का बोनलेस, ये भी मुझे काम आता पार्ट टाइम में, मैं कर लेता हूँ, खुद करना चाहिए वैसे भी बाइट से। अगर आप बोनलेस लेते हैं तो आपको पता है ना कि जो प्राइस होती है उससे आपको 200 आपसे या 250 आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, चेंज करें सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर लें और आप बोनलेस कर लेते हैं खुद ही, आप घर में कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बोनलेस करके दिखाऊंगा कि बहुत सिंपल सा तरीका उसको बोनलेस करने का। ये देखें ये इसकी, ये एक इसकी बोन है मेन चीज़, ये निकल आई है, बाकी का ये देखें, ये देखें बस ये एक होती है, बाकी सारा देखें बोनलेस हो गया। अभी ये जो उसको इसको बड़े आसानी से मैं निकाल लेता हूँ, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता अगर बंदा करने वाला हो तो, बंदा हो ढिला तो फिर उन्हें हर काम ही मुश्किल है। तो समझने वाले समझ रहे पे कुछ मुँह चढ़ा रहे थे मैनू। इनकी पानी की बोतलें खैर मैं ले आया हूँ, और दूसरी दफ़ा जब मैं लेने गया मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा बस एक दफ़ा ठीक है बस एक शॉट लेना था, खैर वो ले लिया, पानी की बोतल आ गई, सारा काम शाम हो गया। अफ्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े से की, आज तो वैसे भी मेरी फेवरेट डिश थी बिरयानी, और साथ में जो साइलेट थी ना भाई, और साथ में मेरी फेवरेट थी और मेरी और मेरे छोटी सिस्टर की, हम दोनों बड़े शौक से खाते हैं साइलेट, और बिरयानी तो कमाल की बनी थी। खैर इसी साथ मेरे ब्लॉग का इख्तिताम होता है, अगर आपने वीडियो चलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह हाफिज़ भाई।